125 हो गया ना, 125 एकड़ हो गया। 65 हेक्टेयर नहीं, 60 हेक्टेयर ना, 150 एकड़ हो गया, 60 हेक्टेयर पॉकेट है ये। ओके, अंदर से ही देखते हैं, आओ। ये मित्र का नाम क्या है जो साथ में आए? ये लेनर्ड। और ये स्टेशन कौन सा है प्रशांत? ये भी पिंगू ही है। पिंगू, ओके। विलेज नेम? एक छोटी लकड़ी चाहिएगी, अपन एक दो जगह इसको कुरेद कर देखेंगे। अभी तो समझ आ रहा है कि फौसरी जमीन तो है, लग रहा है मक्का प्लांटेशन कर चुके थे ये लोग। ओह एंजल सॉइल, देखो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब सॉफ्ट किसी चीज पर चल रहे हो। आप शायद प्रशांत जो रास्ते में बात कर रहे थे ना, 75 HP ट्रैक्टर नॉट रिक्वायर्ड, वो इसलैंड के लिए नहीं, वो इसलैंड के लिए नहीं। इसलैंड के लिए तो आपका 45 HP भी चलेगा, ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बिल्कुल सॉइली है, वो क्या नाम सैंडी सॉइल है। नवनीत जी मैं एक बात बतला दूं आपको, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है आंध्रा की जमीन से, और आंध्रा के कंपैरिजन में ये और भी बेटर है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो रेत के कण है जो मिट्टी टाइप है, बिल्कुल है। रेत के कण है जो मिट्टी टाइप है, मिट्टी ये पॉजिटिव लाइन है। और जिस हिसाब से ये हाथी अंदर डालने पर जा रहा है ना, ये हाथी, ये फोसरापन जो है ये सबसे बढ़िया है किसी भी फसल को करने के लिए। और ये पूरा रेत अलग अलग टाइप का दिख रहा है, ये इसमें रूट्स अच्छे चलेंगे भाई, बहुत बढ़िया चलेंगे। ये देखो मेरे को थोड़ा नमी टाइप, नमी टाइप लग रहा है इधर, हाँ नीचे लगेगी नमी। अभी रूट्स को देखोगे तो ऑलरेडी गई हुई है, ठंडी है, आप ठंडी हाथ डाल के देखो, ठंडी तभी तो मैं बोला क्वाइट, मतलब वो मॉइस्चर टाइप है। और ये जो रूट्स बारीक बारीक निकल के आ रहे हैं, हेयर रूट्स, अरे यार इतना सॉफ्ट आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, वर्जिन लैंड के भाई है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 150 एकर्स ऑफ लैंड इन सिंगल पॉकेट। माइनस है जितना प्लस मैंने आपको गिना दिया, इसका माइनस है। पानी स्लो इरिगेशन चाहिए और लंबे समय तक इरिगेशन चाहिए। स्लो जाएगा तो फिर लंबा भी जाएगा, लंबा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक प्लांट को आपको 50 लीटर पानी 24 घंटे चाहिए, तो आपकी क्ले वाली जमीन होगी, ब्लैक सॉइल होगी, तो आप उसको माइक्रो ट्यूब लगा करके 2 घंटे में 50 लीटर पानी दे दो, 25 लीटर पर आवर का वो माइक्रो ट्यूब लगा दे, तो 24 घंटे में वो मिट्टी पकड़ के रखेगी। अब ये जो मिट्टी है ये रेतीली है और स्पंजी है, पानी कम नीचे चला जाएगा, पानी नीचे जाएगा। अब आपको चाहिए उस केले के प्लांट के 1 से 1.5 फीट की लेयर पर उतना ही आपको मॉइस्चर चाहिए, बाकी का तो रूट जाने वाली नहीं है और उड़ने वाला है वो भी उसके हाथ में रहेगा नहीं। तो आपको वो जो 50 लीटर पानी है, कोशिश हम करें कि 10 घंटे में स्लो जाए तो रूट को मिलता रहे, तो रूट को मिलता रहे। तो उसकी जो रूट डेवलपमेंट डिज़ाइन जो है वो माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन पे जाएगी, तो पौधा और एक्स्ट्रा 2 गुना उत्पादन देगा। तो फिर उसके लिए टैंक चाहिए? नहीं, उसके लिए ड्रिप का डिज़ाइन वैसा चाहिए कि स्लो डिस्चार्ज का ड्रिप होना चाहिए। टैंक इसलिए चाहिए आपकी जो बोरवेल का पानी आएगा वो अगर रेत लेके आ रहा है